राकेश अंजन सर के लिए मैं कहूंगा एक बात, क्योंकि मैं हास्य व्यंग्य का आदमी हूं, इसलिए हंसा हंसा के रुलाता हूं। तो आपके राकेश अंजन सर जो है थोड़ा कंजूस है, क्योंकि वो जियो के सिम से भी मिस कॉल मारते हैं और उनकी पत्नी राकेश सर से भी कंजूस, क्योंकि जियो के सिम से वो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करती है। और राकेश सर के बारे में एक हकीकत सर भी ध्यान देंगे, और तुम बच्चे जो राकेश सर के हो वो भी ध्यान देना कि एक बार सर की शादी लगी तो लड़की ने एक गजब का डिमांड किया। लड़की ने कहा कि अगर राकेश सर घोड़ी पे चढ़ के आएंगे तब हम शादी करेंगे। तो सुनना, पहले हो मत करो, पूरा सुनो। तो हम लोग बारात सजाए, राकेश सर को जैसे ही घोड़ी पे बिठाए, घोड़ी ने उठा के पटक दिया। तब हमने कार बुलाई और कार पर इनको बिठाया और लड़की के पास ले गए, लेकिन लड़की ने देखा जैसे ही राकेश सर कार से उतरे, लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। मैं उछलता कूदता लड़की के पास गया और पूछा कि आपने इनकार क्यों किया, तो लड़की ने जो जवाब दिया उसका अगर आधा समझ में आ जाए कृष्णा कोचिंग सेंटर के बच्चों, तो तालियों से गुंजायमान कीजिएगा। तो हम लड़की के पास उछलते कूदते गए और पूछे, आपने राकेश सर से शादी क्यों नहीं की? तो लड़की ने जवाब दिया, जिस लड़के से एक घोड़ी नहीं संभाली गई। अब इन्हीं बातों से आपको हम गुंजायमान करेंगे साहब, हर वक्त हर पल हर क्षण खुशियों का संसार बिखेरेंगे। तो आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, पहले मुझे देखें सुने समझें और एक नृत्य कराऊंगा, उसके बाद आपको सम्मानित करूंगा। लेकिन एक छोटी सी और छोटी सी बात के साथ हम शुरुआत करेंगे, एक बात कि हम जिस धरती पर खड़े हैं, ये बिहार की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये अशोक की धरती है, ये कर्ण की धरती है, ये रामधारी से दिनकर की धरती है, ये गांधी की कर्मभूमि है। इसलिए यहाँ पर एक से एक बुद्धिमान पैदा हुए। आज मैं कृष्णा कोचिंग में बैठा था तो एक गार्जियन, बहुत बुद्धिमान गार्जियन आया, उसका बच्चा थोड़ा तुतलाता था। तो हमने उस गार्जियन से पूछा और जो उस गार्जियन ने जवाब दिया उसको समझिएगा, बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। हमने उस गार्जियन से पूछा, आपका बच्चा तुतलाता है क्या? तो उसने कहा, सर मेरा बच्चा हमेशा नहीं तुतलाता है, जब बोलता है तब तुतलाता है। तो इसी के साथ